class we were doing polynomials. बेटे sit properly last bench again. I'm saying you. अब मुझे मौका मत देना कहने का दोबारा दोबारा. Listen. Some days back, the few days back, Renu ma'am have arranged your seats, huh? Quite well. After that, again the sitting arrangement you people have done according to you. It means, एक मिनट. It means you people don't want to come back to track, na? चलो anyhow. So get ready with your books as well as notebooks. We are going to start with the meaning of the zero of the polynomial. We were discussing that what is the meaning of zero of polynomial. बंद रखना अपनी आवाज अगर क्लास में बैठना है तो. जी एंड जानवी आप चलो लास्ट बेंच पे दोनों आ जाओ स्पष्ट दोनों जिया जिया स्क्वायर चलो उधर आप भी आ जाओ यहाँ पे जी अंत और जरा सोच समझ के कुछ बोलना अब सारे सभी को कह रही हूँ यस मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वी वर स्टार्टिंग विद सपोज we are having a polynomial in variable x. Polynomial जो है वो वेरिएबल x में है x में वेरिएबल में हमारे पास polynomial given है. अगर ये polynomial x में है इसका मतलब क्या है तुषार मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ आज बिना मतलब के मेरी क्लास में हंसना है ना मैं सच्ची कह रही हूँ पीरियड छोड़ के आज तेरे को मैम के पास ही मैं लेके जाऊं बेटर है ना नहीं शर्म आ रही इतनी बेइज्जती करके अभी मैं सर को मैंने बता दिया अब मैं मैम के पास जाऊं यू आर इंसिस्टिंग मी अभी भी क्या कह रहा कि मैंने किया क्या तो कंटिन्यूअसली यू आर लाफिंग लाफ करना अलाउड ही नहीं है पहले बोला हुआ मैंने नो लाफिंग नो टॉकिंग चलिए सो सपोज वी आर हैविंग पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स And we are defining the zero of the polynomial. Zero of the polynomial means that value of x which will बोलना नहीं है ठीक है ना जब टेस्ट होता है तब परफॉर्म क्या करो पिछले टेस्ट में दो दो नंबर लिए हुए हैं जो ज्यादा क्लास में बीच में बोलते हैं यस सो इस पॉलिनोमियल की अगर हम जीरो डिफाइन करें तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस पी एक्स बिकमिंग जीरो The value of x which can make px zero, the value of x by putting which in the polynomial, the answer of the polynomial, it becomes zero. That is called zero of the polynomial. A number A is said to be zero of polynomial. Set to be zero of polynomial px if when we put a in place of x answer comes out to be zero agar a polynomial mein x ki jagah a put kare aur us polynomial ka answer hamare paas zero ban jaye then we say that number a is the zero of the polynomial if by putting a number in the polynomial The answer of the polynomial it comes out to be zero. It becomes zero. Then that number a is said to be the zero of the polynomial. उसको हम बोलते हैं polynomial का zero. Number a is said to be the zero of the polynomial px. कोई number a किसी polynomial px का zero तब होगा जब अगर हम उस number को polynomial में put करें और answer बन जाए zero. मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल में एग्जांपल लेती हूँ मेरे पास पॉलिनोमियल है 2x plus 1 हम ये देखना चाहते हैं कि 1 इसकी 0 है या नहीं नंबर 1 इसका 0 है या नहीं व्हाट वी विल डू वी विल पुट x इज इक्वल टू 1 इन द पॉलिनोमियल जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर दिया ये बना 2 plus 1 दैट इज इक्वल टू 3 x को 1 पुट करने पे आंसर 3 आया इसका मतलब 1 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है अगर कोई अगर इसको 1 को पुट करने पे आंसर 0 आया होता देन वी माइट से दैट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल सो किसी भी नंबर को पॉलिनोमियल का 0 चेक करने का मेथड क्या होता है पॉलिनोमियल में जाओ उस नंबर उसमें वेरिएबल की जगह वो नंबर पुट कर दो इफ द आंसर यू आर गेटिंग टू बी 0
then that number will be the zero of the polynomial. And if answer is not equal to zero, the number is not going to be the zero of the polynomial. ये एक लाइन कि एक नंबर को किसी पॉलिनोमियल का जीरो तब बोलते हैं जब उस नंबर को पॉलिनोमियल में पुट करके आंसर जीरो आ जाए. इस पूरी एक लाइन पे आपकी एक्सरसाइज 2.2 पूरी बेस्ड है जस्ट ऑन वन कॉन्सेप्ट दैट अ नंबर इज सेट टू बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दैट नंबर इन द पॉलिनोमियल सिट प्रॉपरली तुषार इफ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दैट नंबर इन द पॉलिनोमियल द आंसर कम्स आउट टू बी जीरो. सीधी सी बात, जीरो वो है जो जहां जाता है उसको भी जीरो बना देता है. जैसे आदत होती है ना कुछ लोगों की, खुद तो बिगड़े होते हैं, जिस ग्रुप में बैठते कहते हैं इनको भी बिगाड़ के ही छोड़ेंगे. सेम इज द टेंडेंसी ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जहां जाती है तभी जीरो कहलाएगी अगर उसको भी जीरो बना दे. ठीक है ना, हम तो बन चुके हैं राघव दूसरों की कंपनियों में. चलो, सो नंबर जीरो तब होगा, ना तो आपका बिहेवियर वैसा रहा ना ही आपकी परफॉर्मेंस. एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड, सो आई शुड से दिस. नंबर इज सेट टू बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ बाय पुटिंग दैट नंबर इन द पॉलिनोमियल द आंसर कम्स आउट टू बी जीरो. सीधी सी बात, इस एक लाइन पे हमारी पूरी 2.2 एक्सरसाइज बेस्ड है और इस एक कॉन्सेप्ट से पता नहीं कितने तरह के क्वेश्चन निकल जाने हैं, कुछ भी पेपर में आ जाना है. एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं. Find the value of the polynomial. First question, 5x minus 4x square plus 3. I'm taking second part at x is equal to minus 1. X is equal to minus 1 pe is polynomial ki value find karni hai. Find the value of the polynomial at x is equal to minus 1. Last bench, keep quiet. X is equal to minus 1 pe is polynomial ki value humne find karni hai. Abhi bhi baatein ho rahi hain. क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों बातें? तेरे को खुद पता है मैं किसको बुला रही हूं? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. अब एक बात याद रखना, व्हेनेवर वी हैव एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव इट द नेम. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चुप करना है तूने कि नहीं चैतन्य, आपको पता होना चाहिए कि आप बोल रहे हो कि नहीं. हाँ, जब मैंने सॉल्यूशन करवाना तब क्वेश्चन पढ़ना है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तब अपनी बातें करेंगे. यस, हमने एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नेम दिस पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इज ऑलवेज नेम्ड आफ्टर द वेरिएबल दैट इज इन्वॉल्वड इन द पॉलिनोमियल. व्हिच वेरिएबल इज इन्वॉल्वड इन द पॉलिनोमियल? एक्स. सो वी विल नेम दिस पॉलिनोमियल एज पीएक्स. सबसे पहले हमने इस पॉलिनोमियल की नेमिंग कर दी, इसका नाम रख दिया. कुछ नहीं साथ साथ लिखना, कुछ है ही नहीं कि पेपर आ रहे हैं हम, अब तो सीरियस हो जाए ना. हमने जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाऊंगी. मैम इसको नोट करने दो, फिर ऐसे कहेंगे पीएक्स इसका नाम रख लिया. पीएक्स इज द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल विच वी विल गिव इट आफ्टर इट्स द वेरिएबल इट इज इन्वॉल्व. हैड इट बीन इन वाई द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी पी वाई. अगर यहाँ पे वेरिएबल टी होता तो पी टी. Accordingly, we will name the polynomial. Now, we want to find the value of this polynomial at x is equal to minus 1. X ki jagah pe minus 1 put kar do. No other change will be made. Koi aur change humne nahi karna. Sirf aur sirf x ki jagah pe, jahan jahan aapke paas x hai, wahan wahan aapne is polynomial mein minus 1 put kar dena. No other change. Right? So this will be minus 5, minus 4, minus 1 का square 1 plus 3. Serial order में solve करना, गलती के chances कम होते हैं. Minus 5, minus 4 plus 3. This is minus 9 plus 3, come out to be minus 6. So whenever we need to find the value of the polynomial at a particular number, we just have to put that number. We just have to put that number in the polynomial. हमने polynomial में जाके वो number जो है replace कर देना है, put कर देना है. Whatever answer we will getting, that will be p of minus 1, minus 2 accordingly, whatever number we are putting in the polynomial. This is the first question. Zero के साथ इसका कोई link, जो zero का concept है उसके साथ इसका कोई link नहीं है.
फर्स्ट क्वेश्चन करके उसने सिर्फ आपको ये सिखाया है कि कैसे एक पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड किया जाता है. जस्ट सिंपली हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए पर्टिकुलर नंबर, एंड वी डिड इट इन द 7th-8th स्टैंडर्ड आल्सो. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेकंड क्वेश्चन इज अगेन द सेम थिंग वी आर डूइंग. आई एम टेकिंग इट्स सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज दिस टाइम वन स्टेप अहेड. द क्वेश्चन इज देयर. That means naming of the polynomial have already been done. P of t, this is 2 plus t plus 2t square minus t cube. This is the polynomial which is given to us. Already they have named it pt. Very nicely they have named, because it is in the variable t. So it should be named P of t. Right? We need to find the value of this polynomial. P0, P1, P2. Teen cheeze nikalni hai. First of all, I am finding P0. P0 means wherever t is there, you have to put it by 0. Jahan jahan t hai, we have replaced it by 0. 2 plus 0 plus 0 into something again 0 minus 0, answer is 2. This is P of 0. Now we need to find, I think, P of 1. P of 1. So P of 1 means wherever t is there, put it by, replace it by 1. This is P of 1. That will be 2 plus 1. 1 ones are 1, 2s are 2, minus 1. Ye bana 5 minus 1, that is 4. Similarly, you can find the value of P of 2. Jahan pe aapko T ki value 2 put karni hai, and you get the answer. I'm leaving it to you. Rest of the parts, you will do it in your revision notebook for practice. Had it been like this, also find P of 0 plus P of 1 plus P of 2, then we will do the addition. But he is generally saying that find P of 0, P of 1, P of 2. Then we have no need to add. Yes, it will be according to question. Whatever indication will be there, you will do the calculation according to that indication. Yes, rest of the parts you will do on your revision notebook. Let us start with question number 3. Question number 3. Verify whether the number indicating in front, जब मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, बुक की तरफ देखो, सोचो क्या कह रहा है वो. बोर्ड की तरफ तब देख ही जाना. जब मैं कहती हूँ बोर्ड की तरफ देखो, तब आपस में बातें, पता ही नहीं नाइन्थ में हो गई, ये नहीं समझ आया when to act what. I am doing the third part. हाँ जी चैतन्य, समझा सकते हो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझाओ मुझे, कैसे करना है ये नहीं, प्लीज. सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के मुझे ये बता दो हमारा मोटिव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं. सॉरी, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के मुझे मोटिव बता दो, व्हाट वी नीड टू डू. जीरो प्रूव करनी है. अच्छा, आप बताओ लक्ष्य क्या, इसका मोटिव क्या है हमारा. थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है ये नहीं पूछ रही, स्टेटमेंट पढ़ के मुझे ये बताओ हमारा मोटिव क्या है, करना क्या है क्वेश्चन. हाँ, हमें वेरीफाई करना है कि ये नंबर को पुट करके आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं, यानी कि ये जीरोस हैं या नहीं. बैठ जाओ. चलिए, सबसे पहले वी विल पुट x इज इक्वल टू 1. x को 1 पुट करके आंसर 0 बन गया. दिस इंप्लाइज 1 इज 0 ऑफ px. बाय रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू 1, द आंसर कमिंग आउट टू बी 0, देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 1, इट इज गोइंग टू बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. लेट अस पुट x इज इक्वल टू -1. -1 स्क्वायर 1. अगेन द आंसर इज 0. व्हाट इट मींस? यस मैम. Minus 1 is a 0 of the polynomial. जिसको पुट करके पॉलिनोमियल में आंसर 0 बन गया, वो नंबर पॉलिनोमियल की 0 बनने की सारी करेक्टरिस्टिक रखता है. दैट मीन्स दैट नंबर, और बाहर जाके देखा टाइम, हाँ, दैट मीन्स दैट नंबर इज गोइंग टू बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल.
राइट, बिल्कुल शर्म नहीं है, मैं कहती हूँ इस क्लास को, सामने बैठे बार मतलब घड़ी की तरफ बाहर ही चले जाओ, व्हाई टू कमिंग इन माय क्लास. चलिए लेट अस डू इट्स सेवंथ पार्ट, सेवंथ पार्ट. Check whether the numbers indicating are the zeros of the given polynomial or not. Harshit, how to proceed? कैसे करते हैं check? Please. किसमें? किसमें put करनी है x की value? जहां जहां x है polynomial में वहां वहां हमने x को पहले minus one by root three से replace करना है. So write down p of minus 1 by root 3. 3 into minus 1 by root 3, it's square minus 1. So this will be 3. Chitanya, honestly, chal ek side pe daant, sab kuch ek side pe raha. Honestly, mujhe bata de, are you listening to me? Mere ko bilkul hai, main shakal dekh ke bata sakti hu. You're not involved in the class. Minus 1 ka square, हमारे पास हो गया 1, नीचे है रूट 3, रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल 3. कैलकुलेशंस प्लीज साइलेंट. यस, आपको बोल पूछा किसी ने? मैं बताऊंगी ना, अभी टेस्ट लेके जब आऊंगी तब आंसर्स क्या लिखे हुए हैं, अभी तो बड़ा रोला डाला हुआ है ना क्लास में. 3 गेट कैंसिल, 1 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 0. दैट मींस when we are replacing x by minus 1 by root 3, the answer comes out to be 0. This implies minus 1 by root 3 is the 0 of px. जब हमारे पास answer 0 आ गया, तब वो 0 बन जाती है. Now, हमने x की जगह minus 1 by root 3 put किया. यहाँ पे है 3. Don't be over smart in my class. You should know कि तूने क्या किया. मेरे से नहीं पूछना. This is 3. माइनस वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर पुट कर दिया माइनस वन. अब इसको सॉल्व करते हैं. स्क्वायर जब ब्रैकेट में स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर सारे नंबर्स को मिलता है ब्रैकेट के अंदर. हमने माइनस वन का स्क्वायर किया, ये क्या बन गया 1. जब हमने रूट थ्री का स्क्वायर किया, रूट थ्री का स्क्वायर वी ऑल नो इन 8 स्टैंडर्ड स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, ये बन गया 3 माइनस 1. 3 गेट कैंसिल, फर्स्ट टर्म वी आर लिविंग विद 1, सेकेंड टर्म इज माइनस 1, 1 माइनस 1 0. सो इट मीन्स minus 1 by root 3 is the 0 of the given polynomial. Now we need to check for 2 by root 3. Let us replace x by 2 by root 3. This is p of 2 by root 3. 3 into 2 by root 3 square minus 1. Wherever x was there, I replace that x by 2 by root 3. Kuch poochna hai ki batana? Jab main kahungi tabhi batana hai, abhi nahi. Chaliye. So this is 3. 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 एंड रूट 3 का स्क्वायर. एक मिनट, निष्करण नीचे क्या आएगा प्लीज. रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 3 कट, 4 माइनस 1 3. अब जब एक मिनट, आपसे पूछा किसी ने, जब हमने 2 बाय रूट 3 पुट किया आंसर 4 आया विच इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाट इट मींस? इट इज नॉट द 0 ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल. जब आंसर 0 नहीं आया तो ये 0 नहीं बनेगा. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू ऑन योर रिवीजन नोटबुक्स एज होमवर्क. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑन द रिवीजन नोटबुक होमवर्क. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. देखो बेटे, अभी हमने चेक, तेरे को क्या पता लगता है कब चल समझता है कि मेरे को पता नहीं चल रहा व्हाट्स गोइंग ऑन. एवरीथिंग आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन. ओके, यस. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है दैट वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल. अर्लियर वी हैव चेक्ड कि जीरोज हैं कि नहीं, अब हम देखेंगे कि जीरोज फाइंड कैसे करते हैं. देखना जरा ध्यान से. सपोज आई एम टेकिंग द थर्ड पार्ट. The question is find the
zeros of px is equal to 2x minus 5. अब एक बार सुनो जरा ध्यान से. एट में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जहां पे हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते थे. इक्वेशन सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है? अगर इक्वेशन में जो वेरिएबल बैठा है उसकी वैल्यू को फाइंड करना. बट वेन एवर वी यूज टू सॉल्व एन इक्वेशन वी शुड नो वन थिंग. एनी प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? यू आर टॉकिंग टू हिम. आपको पता होना चाहिए किससे, इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी. देखो जब भी हमें, किसने बोला टाइम अभी 11:10, इसे बाहर निकल जा रहा है.